जी अस्सलाम वालेकुम, मुरीद हुसैन खान की तरफ से सलाम। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि जिस पौधे को आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाली है कि दोबारा दिखाया जाए, उसका मुवादना किया जाए दूसरे पौधे के साथ। पहले भी वीडियो में जो मैंने जो अपलोड की थी तो आपको दिखाया गया कि ये कचनाल का पौधा है जो इस सीज़न में बहुत कम ही चलता है, ग्रो बहुत कम करता है। ये ग्रो कर रहा है क्यों? कि इसको मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाली थी। ये देखें दोस्तों, इसकी ग्रो देखें, ये नी, ये देखें, तो ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही बिल्कुल एक ही दिन दो पौधे मैंने लगाए थे। तजर्बे के तौर पर मैंने इसको खाद फर्टिलाइज़र, अपनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाली थी लिक्विड की शक्ल में, ये ग्रो कर रहा है। तो दूसरा जिसको मैंने नहीं डाले वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में कोई एडिटिंग, कोई कटिंग नहीं है, बिल्कुल जो भी वीडियो बनाता हूँ उसी तरह आपको अपलोड कर देता हूँ। ये है दोस्तों दूसरा कचनाल का पौधा, इसको फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाले। इसकी शक्ल देखें, ये सिर्फ दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कितनी पावरफुल है, अगर ना डाली जाए तो पौधे किस तरह की शक्ल के होते हैं। ये देखिए, अब इसकी वीडियो बन गई है। इंशाल्लाह इसको दोबारा मैं ऑर्गेनिक अपनी फर्टिलाइज़र डालने जा रहा हूँ ताकि ये भी उसके साथ तैयार हो जाए। दोस्तों देख लिया, मुवादना कर लिया, ये फ़र्क आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, ये वो पौधा है जिसको मैंने फर्टिलाइज़र नहीं डाले। इसकी शक्ल देख लें, इसकी हालत देख लें, और जिसको मैंने डाली है ये तकरीबन 20 फीट के फासले पर दो पौधे हैं, वो ये है। ये पहले भी आपको दिखा चुके, इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये देखा, इसकी ग्रो देखें, ये है फ़र्क, असल बुनियादी फ़र्क ये है। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिस वो डाल दी जाए तो पौधे किस तरह तैयार होते हैं। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़।